चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर या हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें जो गैस चार्ज करते हैं वो कितना गैस चार्ज करेंगे, चाहे वो कितने भी लीटर का हो, 150 लीटर, 200 लीटर, 250 लीटर, 300 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर, एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, हर वो मशीन, तो चाहे उसकी साइज कुछ भी हो, उसमें किसमें कितना गैस चार्ज करेंगे, आज के बाद सिर्फ एक फार्मूला के जरिए ये कंफर्म होगा कि चाहे कोई भी सिस्टम हो उसमें जो हम गैस चार्ज करेंगे वो कितना गैस चार्ज करेंगे। तो समझिए, सबसे पहले ये गैस चार्ज करने से पहले ना, हर गैस का रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर होता है। रनिंग प्रेशर का मतलब ये होता है कि फ्रिज में जब हम गैस चार्ज कर लेते हैं इस गेज के द्वारा, तो जो गेज में जो सुई होती है, फ्रिज के चलते कंडीशन में गेज में जो सुई होती है वो कितने नंबर पे, चलते कंडीशन में, उसे हम बोलते हैं रनिंग प्रेशर या सक्शन प्रेशर, यानी कि कंप्रेसर के चालू अवस्था में गेज की सुई जहां तक होती है उसे हम बोलते हैं कि वो रनिंग प्रेशर है और या तो फिर सक्शन प्रेशर है। और स्टैंडिंग प्रेशर को हम ये बोलते हैं कि जब फ्रिज हमारी बंद हो और गेज की सुई जिस लेवल पे पहुंची हो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्रेशर। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये जो पाइप है देखिए, गेज के निचले सिरे में जुड़ी हुई है और गेज का ये जो दूसरा सिरा है अगर फ्रिज के चार्जिंग लाइन में जोड़ दिया जाए तो गेज की सुई जहां पे रहेगी, अगर फ्रिज बंद है और जहां पे सुई है तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्टैंडिंग प्रेशर है। और अगर कंप्रेसर चल रहा है, मतलब फ्रिज चल रही है, सुई जहां पे है उसको हम बोलेंगे कि ये सक्शन प्रेशर यानी कि रनिंग प्रेशर है। तो ये जो गेज की सुई है ना, गैस चार्ज करते समय इस सुई के द्वारा हम पता करेंगे कि कितनी गैस चार्ज हो गई है, क्या जितना हमें चार्ज करना था उतना हो चुकी है कि नहीं, उसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा कंपाउंड गेज होता है ना, देखिए ये सिंगल गेज में भी आता है, ये डबल में भी आता है, ये मैनिफोल्ड गेज इसको हम बोलते हैं और ये कंपाउंड गेज सिंगल अकेला बोलते हैं। देखिए इसमें क्या, ये ब्लू वाला कलर से हम गैस चार्ज करते हैं क्योंकि वैक्यूम इसी से करते हैं। वैक्यूम करने का मतलब क्या होता है, फ्रिज के अंदर की नमी को बाहर इसी से निकालते हैं। जब हम गैस चार्ज करते हैं तो सुई कितना पे, क्या हम अपनी नॉर्मल फ्रिज का भी गैस चेक कर सकते हैं, किसी ने फ्रिज में गैस चार्ज करके कोई मिस्त्री चला गया तो क्या हम चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना गैस उसने भरा है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ इतनी चीज लगा करके, एक गेज और एक पाइप लगा के चेक कर सकते हैं कि कितनी गैस उसके अंदर भरा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते, देखिए हर गैस का अलग अलग प्रेशर होता है, हर गैस का अलग अलग प्रेशर होता है। जैसे कि हमारा जो गैस है, देखिए यहाँ पर हम कुछ गैसों के बारे में अभी विशेष लिखे हुए हैं, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का नाम यानी गैस का नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा है यहाँ पे R22 यानी कि जो R22 है ये गैस हमारी एसी में प्रयोग होती है, हर तरह ऐसे ही गैस है। इसका जो सिलेंडर का कलर कोड है देखिए, ये हल्का हरा कलर में इसका सिलेंडर का कलर होता है, यानी कि जो आप सिंगल कैन वाला लेंगे तो उसके कलर में बात नहीं होती, वो तो किसी भी कलर का होता है, गोदरेज, वर्लपूल, अलग अलग कंपनी के आते हैं और कंपनी अपना कलर अपने हिसाब से तय करती है। लेकिन अगर बड़ा सिलेंडर लेते हैं तो R22 यानी फ्रियान 22 की जो गैस होगी वो इसी कलर में होगी, हल्का हरा कलर में होगी। इसका स्टैंडिंग प्रेशर लिखा हुआ है इसमें 150 से 155 और सक्शन प्रेशर लिखा हुआ है 60 से 70। देखिए सक्शन प्रेशर को ही रनिंग प्रेशर के नाम से जाना जाता है, सक्शन प्रेशर को ही रनिंग प्रेशर के नाम से जाना जाता है, यानी जो सक्शन प्रेशर है वही रनिंग प्रेशर, बात एक ही है, नाम दो पड़ गए हैं। तो देखिए जब गैस चार्ज करेंगे, अब मान लीजिए कि एसी में गैस चार्ज कर रहे हैं और गैस चार्ज करना हमें फ्रियान 12 है यानी R12 है, तो कैसे चार्ज करेंगे, इसी गेज के द्वारा चार्ज करेंगे। जब इस गेज के द्वारा गैस चार्ज करेंगे ना, तो ये है स्टैंडिंग प्रेशर। तो सबसे पहले तो गैस चार्ज करते समय कंप्रेसर चल रहा होगा तो पहले हम देखेंगे रनिंग प्रेशर यानी सक्शन प्रेशर, इसका कितना है 60 से 70, यानी कि एसी में गैस चार्ज करते समय ये जब हैंडल को खोलेंगे फिर बंद करेंगे, खोलेंगे फिर बंद करेंगे, जो गेज की सुई है वो देखिए इसमें लिखा है 60, अगर शायद देख पा रहे होंगे यहां पर तो देखेंगे ध्यान से, ये सबसे ऊपर लिखा है इसमें 1 2 3 4, लेकिन अंदर साइड में लिखा है ना 10, ये 20 40 60 80 100 ऐसे लिखा है। तो ये जो 60 लिखा है, ये जो 60 लिखा है समझिए इसमें क्या लिखा है, 60 से 70, यानी 60 से 70 के बीच में अगर रनिंग के टाइम में, रनिंग पोजीशन में, यानी एसी चल रही है और उस समय इसकी गेज की सुई वहां पे जाकर के रुकी हुई है, यानी एसी चल रही है और गेज की सुई 60 से 70 के बीच में रुकी है, तो समझिए जितना गैस चार्ज करना था उतना गैस चार्ज हो चुकी है। वैसे देखिए एसी या फ्रिज के सिस्टम में अगर एसी आधा टन की हो तो ये बताया जाता है कि उसमें 300 ग्राम गैस भरी जाएगी, अगर वह 1 टन की है तो उसमें 600 ग्राम, अगर 1.5 टन की है तो उसमें 900 ग्राम, उसमें 2 टन की है अगर तो उसमें 1200 ग्राम। लेकिन ये ग्राम कितना है,
ये टन के हिसाब से क्यों ग्राम चेंज हो रहा है, हमें उस बात से मतलब नहीं है यार। हमें जो मतलब है ना उसके सुई से। अगर हम कहीं भी R22 की गैस चाहे कहीं भी भर रहे हो, एसी छोटी हो एसी बड़ी हो, वाटर कूलर हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी मशीन हो, अगर 22 गैस कहीं भी भर रहे हैं तो रनिंग के टाइम में उसकी सुई 60 से 70 पहुंचनी चाहिए। अगर 60 से 70 के बीच में पहुंच गई तो समझिए गैस चार्ज हो गई। अब समझिए कि जैसे वो छोटा सिस्टम बड़ा सिस्टम का मतलब ये होता है ना कि आखिर क्यों आखिर हम छोटे सिस्टमों में भी ये वही करते हैं। जैसे देखिए, अगर ये कोई एक कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पे ये कोई है, मतलब कोई गोल सा जगह है, समझिए एक गुब्बारा है और एक गुब्बारा ये दूसरा छोटा है, एक बड़ा गुब्बारा है, तो इसमें जब हम गैस भरेंगे तो हमारी जो गेज की सुई है अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, मान लीजिए 100 ग्राम गैस इसमें भर दिए, अगर वजन से भरे तो 100 ग्राम गैस भर दिए तो इसमें जो गेज की सुई है मान लीजिए कि 100 पे दिखा रहा है, 100 ग्राम भरे तो 100 पे दिखा रहा हो, और इसमें अगर 100 ग्राम हम भर दें तो देखिए इस गेज की सुई क्या दिखाएगा, ये कम से कम दिखाएगा तो 120 130 यानी 100 से ऊपर दिखाएगा, क्योंकि छोटी जगह में 100 ग्राम गैस भर दिए तो इसका दबाव, मतलब कम जगह में जब ज्यादा लोगों को भर देंगे तो झगड़ा करेंगे ना, दबाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ता है तो सुई ज्यादा ऊपर उठती है, तो इसलिए ये 100 से ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के अगर हमें रनिंग प्रेशर 100 चाहिए तो हमें 100 इसमें भी चाहिए, और 100 इसमें कब हो जाएगा, जब 60 से 70 ग्राम ही गैस भर देंगे तब तक हो जाएगा, यानी कि जगह कम है तो सुई में दबाव बढ़ेगा तो ये जल्दी चार्ज हो जाएगा, ये जल्दी से 60 से 70 के बीच में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा जगह है तो ये जल्दी से 60 से 70 के बीच में नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि जगह ज्यादा है तो जल्दी से 60 से 70 के बीच में नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार से देखिए हमारी R134, ये R134 बहुत महत्वपूर्ण गैस है हमारी सभी में, फ्रिज में, वाटर कूलर में, कार एसी में, इन सब में हमारी R134 गैस प्रयोग होती है। अब समझिए ये जो R134 गैस है, इसका जो हमारा देखिए सिलेंडर का कलर कोड है, देखिए हल्का आसमानी कलर में है, हल्का आसमानी कलर में है, और इसका स्टैंडिंग प्रेशर 80 से 95 है, और देखिए सक्शन क्या है 12 से 15, यानी कि अगर आप फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हो, फ्रिज की साइज चाहे जो भी हो, वो चाहे 180 लीटर की हो, 150 लीटर की हो, 200 लीटर की हो, 220 लीटर की हो, 250 लीटर की हो, चाहे जितने भी लीटर की हो, अगर उसमें R134 गैस भरी जा रही है तो रनिंग प्रेशर सुई के हिसाब से 12 से 15 पहुंचना चाहिए, चाहे उसकी साइज कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी सुई अगर 12 से 15 पहुंच गई, समझिए कि सक्शन प्रेशर हमारा हो चुका है, यानी रनिंग प्रेशर हमारा सही है, तो फ्रिज ठंडा करेगी। देखिए 12 से 15 इसमें लिखा नहीं, 20 लिखा है ना, तो 20 लिखा है और 0 लिखा है ना, तो 20 और 0 के बीच में लिखेंगे एक मोटी सी लाइन है जिसको हम बोलेंगे ये 10 है, 20 और 0 के बीच में जो बचेगा बीचों बीच वो 10 होगा ना, तो 20 और 0 के बीच में 10 है, तो 10 और 15 के बाद यानी 10 और 20 के बीच में इस गेज को रखेंगे, क्योंकि 12 से 15 इसको रखना है, तो थोड़ा सा बढ़ा करके वहां पे रख देंगे। तो ये आपको इसी प्रकार से किसी भी गैस का आपको रनिंग प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर देखना है। उसी प्रकार से देखिए R600, अब देखिए कोई भी गैस कितनी खतरनाक है वो आप उसके रनिंग प्रेशर से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे समझिए कि इससे पहले अभी आपने गैस देखा कि जो एसी का था सक्शन प्रेशर रनिंग प्रेशर वो 60 से 70 था, फ्रिज का है 12 से 15, अब फ्रिज का थोड़ा कम है ना, पाइप में दबाव कम रहेगा 15 प्रेशर तक रहेगा तो, और जो एसी का है 60 से 70 तक पहुंचेगा तो दबाव थोड़ी सी ज्यादा रहेगा। और आगे समझते हैं, देखिए R600 ये हमारी इन्वर्टर फ्रिज में गैस चार्ज होती है, जो हमारी इन्वर्टर फ्रिज होती है उसमें गैस चार्ज होती है R600, इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है 40 से 50, लेकिन जो रनिंग से है वो 0 से 1, 0 से 1 वैक्यूम करेंगे सुई माइनस में रहेगी, गैस चार्ज करेंगे 0 पे जाएगी, खाली ये बराबर हो जाए 0 पे चली जाए, अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर सब बराबर हो जाए, खाली सुई 0 पे चली जाए, समझिए गैस चार्ज हो गई, जितना भी गैस चार्ज करना था खाली 0 पे, समझिए सबसे लो प्रेशर गैस है, इसको हम बोल सकते हैं ना लो प्रेशर गैस है, इस गैस में तो कोई क्वालिटी ही नहीं, इस गैस में तो कोई दबाव ही नहीं है, इस गैस के साथ कभी कोई पाइप नहीं फट सकती, ये गैस ज्वलनशील होती है, लीकेज करने पे आग लगाएंगे तो लग सकती है, लेकिन ये गैस की वजह से कभी कोई पाइप नहीं फट सकती, क्योंकि इसमें दबाव कम है, इसका जो रनिंग प्रेशर खाली 0 से 1 है, बहुत कम है जिसको हम बोलते हैं, मतलब 0 है तो बात ही खत्म हो गई ना, तो इसका दबाव बिल्कुल नहीं है, तो ये गैस लो प्रेशर गैस है। उसके बाद देखिए R32 काफी खतरनाक गैस है, बिल्कुल ज्वलनशील गैस है, इसका रनिंग प्रेशर देख लीजिए 110 से 115,
110 से 115, इसीलिए R32 जब कहीं हम गैस चार्ज करते हैं ना, ये जो हमारी नॉर्मल चार्जिंग पाइप होती है ना, R32 के लिए स्पेशल हम चार्जिंग पाइप लाते हैं। मजबूत पाइप लाना पड़ता है ताकि गैस के दबाव से फट ना जाए। हाई देख रहे हैं, रनिंग के टाइम में 110 से 115 तक प्रेशर, जबकि स्टैंडिंग के टाइम में 250 तक जा रहा है। देख रहे हैं 240 से 245 तक, यानी कि पूरा आखिरी सुई के लास्ट में पहुंचा देगा। देखिए यहां पर 350 तक इसमें ऑप्शन है, लगभग पूरा फुल करवा देगा, यानी इस पाइप के साथ बहुत अधिक दबाव रहेगा, यह पाइप फट भी सकती है। इसलिए R32 के साथ हमेशा सावधान रहिए। R32 गैस जब भी कहीं चार्ज हो रही है थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन नियम से करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे, पाइप वगैरह सब देख के करिए, जोड़ वगैरह देख के करिए, आसपास का वातावरण खुले में करिए, काफी अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 240 से 245 इसका स्टैंडिंग प्रेशर है, यानी बंद अवस्था में, और जिस समय चल रही होगी उस समय 110 से 115 इसकी रनिंग प्रेशर है, 110 से 115 तक इसका रनिंग प्रेशर है R32 का। उसके बाद देखिए R290 है, इसका स्टैंडिंग प्रेशर 125 से 130 है, 65 से 70 रनिंग प्रेशर है, यानी ये भी नॉर्मल गैस है, ठीक है, 65 से 70 का मतलब खतरनाक गैस कैसे पहचान सकते हैं कि जिसका रनिंग प्रेशर बहुत अधिक हो, सबसे अधिक हो, 100 प्लस हो, वो खतरनाक गैस है, और जिसका रनिंग प्रेशर 100 से नीचे है वो समझिए नॉर्मल है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। R407, अब देखिए ये नहीं समझना कि हाँ ये किस में प्रयोग किया जाता है, 290 407 जिस पे जो गैस का उसके कंप्रेसर के साथ लिखा होता है इसमें वो गैस प्रयोग की जाएगी, वही करेंगे सबसे ज्यादा। तो R134 R600 R32 R22 ये चार गैसें प्रयोग की जाती हैं। उसके बाद R407 इसका सिलेंडर का कलर कोड देख लीजिए, हल्का लाल में है, 180 से 185 स्टैंडिंग प्रेशर है, 75 से 80 इसका रनिंग प्रेशर है, इस प्रकार से ये कार्य करेगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए आर यहाँ पे क्या क्या है, R404 इसका सिलेंडर कलर हल्का संतरी कलर में, इसका स्टैंडिंग प्रेशर है 180 से 185 और रनिंग प्रेशर है 80 से 90, मतलब थोड़ी है ये भी खतरनाक। देख रहे हैं इसका कलर भी रेड कलर में दे दिया है, तो इसलिए ये भी खतरनाक है। R410 का गुलाबी कलर में होता है, 225 से 230 इसका स्टैंडिंग प्रेशर है, 120 से 130 इसका रनिंग प्रेशर है, यानी 100 प्लस है ना, तो खतरनाक गैस हुई ना, 120 से 130 तो नॉर्मल पाइप हमारी इसको नहीं झेल सकती है। उसके बाद R417 आर का मतलब समझते हैं ना, आर का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब गैस, यानी ठंडा करने वाली गैस। इसका कलर हल्का हरा कलर में है, 140 PSI है स्टैंडिंग प्रेशर और 65 रनिंग प्रेशर है, यानी कि रनिंग अवस्था में इस गेज की सुई अगर 65 तक पहुंचती है और 417 गैस चार्ज कर रहे हैं तो समझिए कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें गैस चार्ज करने का तरीका है। तो इस प्रकार से चाहे कितना भी बड़ा सिस्टम हो इसी प्रकार से हम गैस चार्ज करेंगे। हमारा एक चैनल दूसरा है MI टेक्निकल ब्लॉग, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब करिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।